हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशिका डिजाइनर ओडिया। आज मु आपन मान को पाई नै आछि 100 टॉप रो डिजाइन कटिंग एवं स्टिचिंग एथिरे। तो देखंतु एटा आछ हमर 5 वर्ष झियो पाई आपन टॉप बनै पारिबे किमा 4.5 वर्ष झियो पाई मध्य बनै पारिबे। टॉप रो नंबर रहइबो हमर 12 इंच, कांध रहइबो 9 इंच, काख रहइबो 5 इंच, छाती रहिछि बॉडी अराउंड 23 इंच, तारो 4 भाग रु गोटे भाग 5.7 इंच नबा, अंटा रही 21 इंच, तार 4 भाग रु गोटे भाग नबा 5.2 इंच। तो एबे देखंतु एथिरे मु कपडाडा कहूँ अस्त्र कपडाडा आमर खरी देली। तो ये डबल फोल्ड देकी रही अस्त्र कपडाडा मु फर्स्ट होची आमर जेतिकी डम्ब दरकार ब्लाउज्र से आमर डम्ब जो थी 12 इंच रे 1.5 इंच गोटे 0.5 इंच आम एड करवा 13.5 इंच डम्बर आम दीपटे मार्क कले एवं दीटा पॉइंट को आम सीधा करके स्केल साहय जोड़ीद तापर आपण ये कपड़ाटा को काटिकी काढ़ीदे। तो देखो ये जो टॉपटा बनवाई आपन को अध मीटर जो हूँ अस्त्र कपड़ा दरकार, आपणकर जो रही ऊपर कपड़ाटा से गोटे मीटर दरकार। तो ये देखो ये जो रही कपड़ाटा फास्ट आम ब्लाउज मापर ताकू एक्सट्रा मार्जिन नहीं काढ़ीदेचु। काढ़ापर हो मझीर कटिंग करदेली जहाद्वारा कि आम दीटा फ्रंट और बैक पार्ट रीटा पार्ट बाहरी। एबे कपड़ा को देखो मु दी फोल्ड करके रखिली। तो फास्ट रही आमर जोड़ा कांधर माप ना आम कांधर माप था 9 इंच दी भाग करवा तो होगा आमर 4.5 इंच। तो ये जो आमर 4.5 इंच रे गोटे मार्क करवा ठीक से पॉइंट रु सीधा तल को आम काखर मार्क करवा 5 इंच रे गोटे आम पॉइंट करवा। एबे छाती रो आमर देखंतु 23 इंच रो 4 भाग रु गोटे भाग हे गना 5.7 इंच रे गोटे मार्क कला परे एक्स्ट्रा मार्जिन मु इतरे 1.5 इंच रखी छी आपन चाहिने गोटे इंच मध्ये नै पारिबे। तो ए जो लाइन टा रहिना याको आमे सीधा करिकी जोड़ी देबा एवं ऊपर जो आमर कांध माप सहित काखर माप रही छी ताको आमे सीधा करिकी जोड़ी देबा। एबे एठी देखंतु एठी मु गोटे इंच रे कर्व रो शेप दउ छी जोंटा कि आमर काखर शेप हे जइबो एवं छोट पिना मानों को पाई आपण करो फ्रंट बैक अलग कटिंग हबनी। एवं फ्रंट साइड देखंतु एबे नेक लाइन जमिति रही मु एथरे आमर नेक लाइन नौ 2.5 इंच एवं नेक डीप एथरे देखंतु जमिति मु कहली आपण को एटा 100 बनिबो तो मु एथरे 3.5 इंच नौ 3.5 इंच रे गोटे पॉइंट कला परे पुणी थरे आमर नेक लाइन जमिति 2.5 इंच थिना सेथिरे मु मार्क करली एवं जो पॉइंट गुडा रहिची आमे ताकू सीधा करिकी जोड़ी देबा। एबे एथिरे देखंतु आमर जमिति राउंड शेप रो थाई नेक सेई टाइप रो मु याकू टिके कर्व रो शेप देकी ताकू राउंड कर दउची एई टाइप रो। एबे देखंतु एठी हमर नेक रो पैटर्न ड्रॉ हो जाय छी तो आमे एठू नेक टा को होची फर्स्ट कटिंग कर देबा। तापर हमर जोडा रही छी काखर शेप ताकु मध्य एथरू कपडा काटी की काढ़ी देबा। जोडा हमर एक्स्ट्रा मार्जिन कपडा साइड रही छी ताकु मध्य मु काटी की काढ़ी दे छी। एबे एथरे देखंतु जो हमर नेक रो शेप मझी रुकी आपन को ए टाइप रो टिके तेरछा करी की ताकु नेकी आ गोटे साइड जो काख पटे जाउ छी सेई पटे आपन को ए टाइप रो मिसेवाकू पड़ो। यहाँ देखते मुझे पॉइंट करकी नहीं काख पाखे मिसेली काखर माने जो आमर चेस्टर मार्जिन रही पाख को आपणकर से कटिंग टे जीव। तो ये यहाँ देखूँ मोर जो डायग्राम टे मुझे बनई भल भाव मान को मार्क करके देखेदेली यापर होमें कटिंग करके काढ़ीद मान आम गोटे सोल्डर से बाहरी जीव। एबे एथरु देखंतु एटा गोटे बाहरी गला तापर होउची एथरे आपण देखि नियंतु याको जदि आपण साइड रु रखिबे आपणकर बेको चौडा पड़ी जइबो काख शेप आसीबोनी। तो ताको सब बेले ध्यान रखिबे जेमिति आपण कटिंग करथिले सेमिति सीधा करिकि ही रखिबे। आमे 2.5 इंच लेखाई रखिथिले माने आमर होउची नेक लाइन रहइबो 5 इंच। तो देखंतु एबे जो मु रखिली एटाको एटा आमर एथरे परफेक्ट आसीजइबो ये टाइप रही आप जमारू ताक साइड को नेबे यहाँ आम नेक लाइन 5 इंच होगा। तो ये देखो आप ने होमर 4.5 इंच जो मझी पॉइंटा को काढ़ी ये देख जो दीटा मार्क कली यहाँ अध इंच डिस्टेंस मुझे गोटे छट मानने पतला डोरीटा जोटा कि चौड़ा गला बसईबी
এবং আউ গোটে যেটা আমার ব্যাক পার্ট রয়েছে তাকে মধ্যে আমি ডবল ফোল্ড করা এবং এইথে আমি অধ ইঞ্চর স্টিচ মার্জিন মার্ক করিদেবা। এবে এটা দেখুন স্টিচ মার্জিন ড্র হওয়া পরে হচ্ছে আমি যে ফ্রন্ট পার্ট রয়েছে না ফ্রন্ট পার্ট কু নেকি আমি এইথে বসাইব। এই টাইপ্র দেখুন যেমিতি তার আর্মহোল রয়েছে আপনার ফ্রন্ট পার্ট যেমিতি রয়েছে এবং নেক লাইন যেমিতি রয়েছে বিলকুল সেমিতি হি কপড়া কটা হব। তো এইটা মু ফার্স্ট হচ্ছে যে আমার রয়েছে মঝি পার্টটা অধ ইঞ্চর আমি যে মার্জিন ছাড়িলে সেইটি মু কট লগাইদেলি যাহাতু মানে আমার যেহেতু রয়েছে ব্যাক সাইড আমি হুক করা সেইপাই। এবে এইথরে দেখুন দুইটা সেরা আমার ফ্রন্ট এবং ব্যাক সাইড কু মু বরাবর সাইজরে কাটি নিয়েছি এবং ব্যাক পার্ট কু মধ্যে মু চড়াইকি রাখিছি যেমিতি অধ ইঞ্চ আমার স্টিচরে পড়াইব যেমিতি আমি হুক পট্টি বনাইথাও বিলকুল সেমিতি হি হুক পট্টি ব্যাক সাইডরে বনাইব। যেমিতি মু আপনমানকু বতাইলি এটা দেখুন অধ ইঞ্চ মু চড়াইকি রাখি দেইছি তো আমার বরাবর হয়ে যাইছি সাইড কপড়া মধ্যে। এবে মু এটা যে ফ্রন্ট পার্ট রয়েছে দেখুন ফ্রন্ট পার্টরে আমার এই টাইপ্র গোটে এটা মু খালি আপনমানকু মানে ডেমো দেখাই দেছি আপনার যদি চাইবে এই টাইপ্র চৌড়া স্ট্রিপ এইথরে লগাই পারিবে কিন্তু মু যেটা লগাইবি সেটা সরু স্ট্রিপটা লগাইবি যাহাদ্বারা কি তা উপরে মু আর কিছু অলগা বি লগাই পারিবি। তো আপনার চাইলে এই টাইপ্র মধ্যে তাকে চৌড়া এতিকি রাখিকি করে পারিবে দেড় ইঞ্চ চৌড়ার এবং এইগুলা যে আমার এবার পার্টগুলা কটিং হয়ে যাইছি ইয়াকু আমি যে রয়েছি মেন কপড়া তা উপরে রাখিকি এবে কাটিবা। তো এইথরে দেখুন মেন কপড়া উপরে মু ফ্রন্ট সাইড আপনার দেখাই দেছি এটা ফ্রন্ট সাইড মু পিন করিকি আগ কাটিকি কাড়ি দেবি যেতিকি সব কপড়া রয়েছে। তো এইটা ফার্স্ট হচ্ছে আমার যে ফ্রন্ট সাইড রয়েছে ফ্রন্ট সাইডটা মু কাটিকি কাড়ুছি। যদি আপনার যে কপড়া রয়েছে কপড়ার যদি সূতা বাহার সাইড কপড়ার তো আপনার মানে অধ ইঞ্চর স্টিচ মার্জিন রাখিকি তাকে কপড়া কু কাটিবে কিন্তু মোর এইথরে কপড়া বাহারুনি সেইথিপাই মু এইথরে সমান ভাবরে কাটি দেইছি। এবং এইটা দেখুন এইটা ব্যাক সাইডর আমার গোটে পার্ট যেউথরে কি আমি হুক লগাইবা। তো এই সাইডরে এবে মু ফার্স্ট হচ্ছে তাকে পিন অফ করলি তারপরে হচ্ছে পুনি থরে ইয়াকু মধ্যে আমি কাটিকি কাড়ি দেবা। কপড়া কু আপনার সবুবেলে ভালো ভাবে কাটিবে যেমিতি কপড়া বেশি ওয়েস্ট হবনি আপনার মানে দেখুবে যেমিতি মু কাটিলি তা সাইড কপড়া বড়কা থিনা যে সাইজটা যেটি হচ্ছে মু সেই হিসাবে তাকে ইউজ করুছি। এবে দেখুন এইটি আপনার যেমিতি ইয়াকু ভালো ভাবে রাখবে ব্যাক পার্টরে যেমিতি আপনার কাখ যে সাইড কু রহিবা কথা সেই সাইড কু দেখিকি রাখবে। যদি আপনার এই অস্ত্র কপড়া কু অন্টা রাখিকি যেমিতি এনে কটিং করিদেবে সে অলগা অলগা হয়ে যাব। এবে ইয়াকু মধ্যে আমি পিন অফ করিকি তারপরে সাইড্র আমি তাকে কপড়া কু কাটিকি কাড়ি দেব। এবে এইথরে দেখুন আমার যেতিকি পার্ট থিলে সবু কটিং হয়েকি বাহারি যাইছি। তো এইটা আমার হচ্ছে ব্যাক পার্ট এইটা আমার ফ্রন্ট পার্ট আউ এবং এইটা যে সাইড পার্টটা মু কটিং করি কাড়িনি এইটা দেখুন মু স্ট্রিপ এইথরে এড করিবি যেটা কি আমার ডরি বনাইকি তাকে লগাইবি। এবং এইথরে এবে আমার যেমিতি চেস্টর মেজরমেন্ট থিলা 11.5 ইঞ্চ তো সেই হিসাবে মু ইয়াকু মেজরমেন্ট করিকি তার যে মার্জিন গুড়াক মু সেগুলা পয়েন্ট আউট করে নেছি যাফলরে কি আমাকে স্টিচ করা টাইমে সুবিধা হব। এবং এইথরে দেখুন মু যে লগাইবি আমব্রেলা টাইপ্র ঘেরটা কাটিকি সেইটা মু পরে হি তাকে কটিং করিবি স্টিচ পরে আফটার স্টিচ কলা মানে আমার যেতিকি থিব ফিটিং মাপ সেই হিসাবে হি সে বাহারি যাব টিকে বি কম বেশি আপনার হবনি। তো এইটা মধ্যে মু পরে একচুয়ালি মেজরমেন্ট করবি এবে এইথরে মেজরমেন্ট করিকি আপনার এই টাইপ্র মধ্যে করে পারিবে দেখাই দেছি। তো দেখুন কটিং টাইম্রে কোণ হয়েছিল কি মু অস্ত্র কপড়া কু মেন কপড়া উপরে দিয়ে কপড়া কাটিলি কিন্তু এবে দেখুন যে রয়েছে ইয়াকু মু ব্যাক পার্ট পটে তাকে বুলাইকি হচ্ছে পিন অফ করিদেছি যাহাদ্বারা কি আমি তাকে ফার্স্ট হচ্ছে অস্ত্র কপড়া সহিত আমার যে মেন কপড়া রয়েছে তাকে আমি যোড়ি দেবা। এইথরে দেখুন মু অধ ইঞ্চ নুহ কিন্তু 0.2 ইঞ্চর মু কপড়া ছাড়িকি কাটিছি যাহাদ্বারা কি সে যে থ্রেড বাহারিব হলে বি মানে আমার মেন কপড়া উপরে কিছু যেতিকি আমার রয়েছে ডায়াগ্রাম তা উপরে কিছু প্রভাব পকাইবনি। তো এবে এইথরে দেখুন সন্ডেট স্টিচ হব তারপরে যাইকি আমার বাকি জিনিস লাগিব। তো এইটা যে রয়েছে কপড়া এইটা কু মু কটিং টাইম্রে আপনার বনাই তাকে মানে কটিং করিবি। তো এবে যেগুলা মু আপনার দেখাইলি অস্ত্র সহ মেন কপড়া কু এইথরে যোড়ি দিয়েছি দেখুন
आपण माने मध्य ताकु समान भाव रे चारि भाग रु ए टाइप रो स्टिच कर देबे एवं जो सब बड़का कपड़ा रहबो ताकु काटी के बराबर कर देबे। एबे देखंतु जेउटा आपण गोटे साइड रे होउची आपण को जो हुक पट्टी जमिति बसा हुए ठीक सही टाइप रही एथरे मु आधा इंच रे फर्स्ट होउची मार्क करूची जेहेतु मु आधा इंच स्टिच मार्जिन छाड़ी थी जदि आधा इंच रु मु कम नेबी तबे तार नेकटा चौड़ा हबो एवं काखो मध्य अपर सपट हबो सेइथि पई जेतिके स्टिच मार्जिन छाड़ी थे आपण सेतिके ही स्टिच मार्जिन रे ताकु गारवा आगो पकेइ देबे। तापर आमे एथरे हुक पट्टी जोड़ीबा आरंभ करिबा। तो फर्स्ट होउची देखंतु एटा जो रही छी गोटे आमर गोटे होची एक्चुअली मु प्लेन होची आमर जो अस्त्र कपड़ा नहीं छी आ गोटे आमर मेन कपड़ा। तो फर्स्ट होची जेमिति मु एपटो साइड रे अधो इंच रे स्टिच मार्जिन टाणी दी चॉक रे आउ गोटे पार्ट मध्य जोटा रही छी सेइथरे मध्य एबे मु अधो इंच स्टिच मार्जिन रे ताकु चॉक रे मार्क कर दे छी जहा द्वारा कि स्टिच टाइम रे हमको सुविधा हबो। एबे देखंतु एटा जेमिति आमे हुक पट्टी बसेइ थाउ गोटे साइड रे होउची मु ऊपर पटु जेमिति कपड़ा रो ऊपर पटु आमे अधो इंच रे ताकु प्लेन अस्त्र कपड़ा टाकु मु देई कि ताकु स्टिच करूची एवं अस्त्र कपड़ा रो मु साइड कपड़ाटा नै छी जहा द्वारा कि साइड कपड़ा रो आमर सूता बाहरिबनी एवं गोटे स्टिच रे ही हेइजबो। एबे देखंतु जो अस्त्र कपड़ा को मु भीतर साइड को बुंडै कि ऊपर पटे साइड रे गोटे स्टिच पकेइ दउची। एबे याकु मु स्टिच करके कंप्लीट करने भी जदि आपण कर जेमिति अस्त्र कपड़ा रे धरंतु साइड कपड़ा आपण काटि दे छंती तो सूता बारिबार चांस थिवो तेणु आपण ए टाइप रो ताकु फोल्ड करके आ गोटे स्टिच पकेइ पारिबे। किंतु एटा मु साइड कपड़ाटा नै छी जेहेतु एथे मोर प्रॉब्लम हबनी सूता बारिबनी आउ स्टिच मध्ये दरकार नै। एबे एथिरे देखंतु जदि आपण चाहिबे ए टाइप रो ताकु सीधा मध्ये स्टिच करि पारिबे। तो एटा मोर गोटे पार्ट हो जाइए आउ गोटे पार्टा देखु ये सैडटा एवं कौन करवा आम जो पछ सैड रही मैंने अस्त्र कपड़ा जो सैड रू एड होपटू आम जो मेन कपड़ा रही सिलई करी। तो ये आम अध इंच स्टिच मार्जिन देवा सब बड़े ध्यान रखिए जी स्टिच मार्जिन ने आप स्टिच करके कम्प्लीट करेंगे। एवं यहाँ आम सिलई हाप देखु ताकू आम आपण चाहिए आउ थे आउ गोटे ये भल भाव स्टिच पकई देबे। एबे देखंतु ये स्टिच हवा परे एबे याकु आमे ऊपर साइड को फोल्ड कर देबा। तो एथिरे होउची मु फोल्ड करिकी एबे याकु ऊपर को स्टिच कर देबी जेहेतु आपण माने ब्लाउज सब बनौ छंती आपण मान को पाइडा बहुत ही सुविधा हबो जेमिते आमर हुक पट्टी लागे बिल्कुल सही फार्मूला। एबे याकु मु फोल्ड करके देखंतु स्टिच रु टिके आगो को छाड़ी मु ताकु एडा फोल्ड करके सिलई कर देबी जहा द्वारा कि आमर एबे एडा कंप्लीट हो जबो। तो मोर ए साइड रे हुक घर रहइबो एवं आउ गोटे जोडा कंप्लीट करनी से साइड रे मोर हुक गुडा लागिबो एवं एथरे आउ गोटे स्टिच मध्ये मु साइड रे बसे देछि फिनिशिंग पई एवं जोडा बड़का कपड़ा ताकु आमे काटि नबा। एबे देखंतु दीटा को जोड़ी कि आमर जमिति आमे ब्लाउज फिटिंग कला टाइम रे करथाउ एथरे मु बैक साइड रो ठीक सही टाइप रो ही हुक पट्टी को दीटा को रखी कि जोड़ी देनी एवं बड़का कपड़ा जोड़ा तोड़े थिना ताकु कटिंग कर देनी। एबे एथरे देखंतु आमर ए टाइप रो आपण चाहिले शोल्डर को जॉइंट कर पारिबे कांध को किंतु मु एटा को ब्लाउज टाइप रो फिटिंग करी जमिति आमर ब्लाउज रे आमे सीधा रखी कि आगो सिलई करथाउ सही टाइप रो करी कि मु सिलई करी। तो ए टाइप रो देखंतु एबे याकु सीधा कर देली एवं एथिरे होउची फर्स्ट आमे 0.25 इंच रो स्टिच करबा तापर ताकु पछ पटे बुंडी कि एबे आमे सिलई करबा जहा द्वारा कि आमर आउ से कपड़ा रे सूता बाहरिबार चांस रहिबनी किंबा जो सब जरी वर्क हेची से सब कांधरे पिना को टिके मध्य बाजिबनी। एबे आमर गोटे सोल्डर देखंतु कंप्लीट हो जाइछि। तो गोटे साइड रे ही आमर जेमिति काखर रहउछि स्लीव तो ए काखो पई आमे कोन करबा जो मु अस्त्र कपड़ा रहितना तार क्रॉस पट्टी कटिंग करिछि एवं क्रॉस पट्टी को देखंतु ऊपर साइड पटु मु बसउछि याकु आमे जोडा रहिछि आमर कपड़ा रो अस्त्र कपड़ा रो जो दीटा पार्ट खन्ना पार्ट रहिछि एवं आमर मेन कपड़ा जो रहिछि ता सहित मिसै कि आमे सिलई करबा एवं एटा जो रहिछि मोर लेफ्ट साइड को सेटा होछि हमर कपड़ा रो बंद पार्टा सेटा हमर परे बुंडी जिवो भीतर साइड को तो आमर जमिति रहिछि स्लीव रो फिनिशिंग
बहुत ही सुंदर भाव में आसो। तो ये देखो या बराबर स्टिच मार्जिन नहीं करेंगे, जदि आपट सपट के स्टिच करेंगे आपंकर जो सिलई मार्जिनटा रहा बंका तेढ़ा देखा से आपन भल भाव करेंगे और भितरपटे आप छोट छोट टे कईची कट लगेदे। एबे देखंतु कैंची कट कलापर आपण या पछपटे बुलेकी देखंतु मु एथरे बुले देछि। एबे आमर जेतिकी स्टिच मार्जिन रहीछि बिल्कुल कपड़ा को बसेकी मु समान भावरे सिलई करबी, जहा द्वारा कि आमर जो सिलईटा रहीछि सेटा बराबर लागिबो। आपण माने मध्ये याकु भल भावरे सिलई करंतु जेमिति कि फिनिशिंग आसीबो टिके ड्रेस रे। एबे देखंतु एटा आमर गोटे साइड रो जो रही काखो साइड टा आमर स्टिच हो कि कंप्लीट हो जाइछि। एबे एथिरे देखंतु गोटे साइड आमर जो कंप्लीट हबा परे होउछि याकु आपन चाहिने डायरेक्ट बैक साइड रो फिटिंग करि परिबे, जेमिति आमे ऊपर साइड रे कने सेइ टाइप रो मध्ये आपन फिटिंग करि परिबे। जमीती गोटे गोटे कपड़ा थाए टिके माने टांसिया होरतु से छुआ मान चुभव से आप ब्लाउज साइज रो फिटिंग करेंगे। ये देखते साइड रे होची मु ब्लाउज को जमी सीधा रखिक सिलई करूँ साइड रे पूरा बिल्कुल मुझे आगो साइड रे होची ताकु जोड़ी दौची दीटा सारा आम कपड़ा को फ्रंट आउ बैक साइड को। एबे आ गोटे साइड को मध्य ठीक से टाइप रे साइड कपड़ा को जोड़ी दबा। एबे एथरे आम दुईटा सारे साइड हो स्टिच होकर कम्प्लीट हो जाए। देखो या अंटे अंटेवा पर डिफोल्ड कली डिफोल्ड कलापर आमर जमी फिटिंग मार्क जोटा रही जमी मुझे 11.5 इंच आमर 23 इंच रोज बड़ी अराउंड तार चार भाग गोटे भाग 5.7 इंच मार्क कली एटा खली देखिए मुझे 11.5 इंच गोटे मार्क कली ठीक से टाइप रखु तले जोड़ा आमर रही वेस्ट आमर अंटार माप रही आम ठीक से टाइप रही मार्क करवा। तो ये देखूँ मझी पार्ट रु एक्चुअली देखुची फिटिंगटा हूँ आमर देखूँ 5.2 इंच अच्छी तो मझीर मुझे 5.2 इंच है मार्क कली और तले एवं देखु 10.5 इंच जो मार्क कली। एवं ऊपर आमर जो चेस्ट रु वेस्ट पॉइंट को आम सीधा करप स्केल चक साहाज्यरे मिसेदबा जहाद्वारा कि आमर फिटिंग लाइन नाम को मिलगला। एवं आम या फिटिंग करनेबा चेस्ट रु वेस्ट जाए तो आपन या देखु ए टाइप फिटिंग करनी एथिरे आपन गोटे दुईटा स्टिच जी आप दरकार फिटिंग करनेबे मुझे देखु जमी बुलेक दुईटा स्टिच एम पकई दौर आपन ये टाइप स्टिच करदे ठीक ए टाइप रही आ गोटे साइड को मैं स्टिच करकेट करनेबा। आशा करूँ आपण मानक भल लगुव आपने बुझीपे धरतु जो मैंने बुझी पार ना मत कमेंट करके पचारिपारे भिड तले आई टाइप आपण बहुत किसी नुआ नुआ भिड नहीं आसवि तो से चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार बुलवे नहीं पाखे जो बेल आइकन अच्छे प्रेस करने एबे देखंतु आमर जो रही टॉप रो फिटिंग मध्य हो जाए देखंतु ब्लाउज आमर 12 इंच नंबर रखिक आम जो तल रही तलपटी को आम स्टिच करदे। तो एबे एथिरे देखंतु आमर जो ऊपर लगे अम्ब्रेला कट होटा आमर ऊपर जो फ्रिंट से आम बसईवा तो से आप गोटे साइड रू मेजरमेंट करेप धरिकी आ गोटे साइड को आने जो आम माने जो पाखरे आमे हुक पाई काटिचु आमे सही थ्रू ही मेजरमेंट आरंभ करिबा। मु जेमिति करली बिल्कुल आपन को सेमिति ही मेजरमेंट नबार अछि। एबे देखंथु एटा हमरो पूरा तक्कु बुडेकी बन भाबरे कंप्लीट कंदा परे होउछि एटा हमरो 21 इंच होउछि माने 21 इंच होउछि। तो फर्स्ट होउछि जो हमरो रहीछि बैक पार्ट रे देखंथु हुक पाई आमे जोडा सिडी कर देथिने ताको टिके आपन फिटै देबे एवं एटा आमर जो बड़का कपड़ा को देखु डबल फोल्ड कली डबल फोल्ड कलापर हो पुणी थे चौड़ा पटु एवं आम मझे फोल्ड करवा टाइप एवं साइड रे जो प्लेन कपड़ाटा रही जाती जाए मुझे फोल्ड करनी ताऊपर को फोल्ड कर जो प्लेन कपड़े मुझे बो बनि जोटा कि आम डिजाइन लगे।
तापर एथिरे देखंतु आमे मार्क करिबा तो एरा एक्चुअली व्हाइट चोकटा मु आ गोटे चोक रे इथरा आपन मानको मार्क करके देखि दउ छी तो एथिरे एबे देखंतु ऊपर पटु मु 3.2 इंच रे मार्क करनी एवं ठीक से मझी पाखरो ही 3.2 इंच रे आ गोटे साइड को करनी पुनी थरे मझी रो आमे 3.2 इंच रे ताको मार्क करिबा एबे देखंतु जो पॉइंट गुडा हमर बाहरना ताको आमे एडा कर्व हिसाब रे रहिबो त आमे ताको कर्व हिसाब रे जोड़ी देबा एथरे ताको भल भाबरे जोड़ी दियंतु जदी आपन कर एथरे कम बेसी हे पारे त आपन कोटे काम करिवे ताको सीधा टेप को रखी मध्ये आपन को मेजरमेंट करि पारिवे जेमिति एटा मोर 4 फोंड हे छि 21 रो 4 भाग आपन करिवे तापर जेति के इंच होबो ताको सीधा रे मापी के आपन करि पारिवे तो एथरे देखंतु एडा अब मोर जो रही छि एथि 5.7 इंच आसी जाउ छि तो मोर जो टिके अधिकार रहबो सेइटा हो छि हमर जो पछ साइड रे एक्चुअली सेइटा कटा हबो तो कटा हवा पर ताकु मु फोल्ड करबी सेइति पई सेइटा मोर टिके अधिकार रहबो एबे एथिरे देखंतु भल भाबरे मु पुनी थरे मेजरमेंट कर नउ छि जेमिति रहि छि हम ताकु टेप को ए टाइप रो बुंडे की ताकु मेजरमेंट करिबा एटा हे गना हमर 5.7 इंच एबे एथरे देखंतु मोर जो रही छि हमर ऊपर जो टॉपटा बनिबो तार जो घेरोटा रहिबो सेइरा मु 6 इंच रे नउ छि तो ऊपर हमर आधा इंच स्टिच हबो तळे हमर आधा इंच रे जेमिति मु गोटे डेस्टा बसेबी तो 5 इंच हमर बड़का रहिबो ठीक एबे एई जो पॉइंट गुडा मध्ये ताकु मध्ये हमे भल भाबरे जोड़ी देबा तापरे होजी तका हमे कैंची साइज रे काटी काढ़ी देबा जेमिति हमरो अम्ब्रेला फ्रॉक रो कटिंग हे थाय बिल्कुल सेम फार्मूला किंतु एटा हमरो छोटो कटिंग हबो माने तार जो लंबाडा अधिका हबनी ऊपर जेतो एटा टॉप हिसाब रे यूज हबो एबे देखंतु एटा हमरो ऊपर पई बाहरी जाई छी एवं एटा मु देखे दउ छी गोटे लुक आपन मानको ए टाइप रो याकु आमे स्टिच करिवा एथरे जदी आपन चाहिबे गोटे स्ट्रिप साइड रे बसे परिबे नहले आपन सेमिति मध्य खंडा मध्य रखी परिबे तो एथरे मु बैक साइड देखंतु स्टिच टिके खंडा कर दे छी तापर होउची हमर जो ऊपर आमे कटिंग करले अम्ब्रेला टाइप रो याकु एबे आमे मझी रु काटी की ताकु साइड रु मोड़ी दबा एटा मु साइड रु मोड़ी की टिके स्टिच कर दउ छी जा द्वारा की सेइटा हमर साइड कपड़ा सब बाहरी बनी तो ए टाइप रो ताकु आमे फोल्ड कर देबा एवं फोल्ड कर की याकु स्टिच कर देबा एटा आमे जेमिति सिलाई करबा ठीक आ गोटे साइड जो रही छि ताकु मध्य आमे सेमिति ही सिलाई करके कंप्लीट कर देबा बहुत ही इजी हो छि आपण याकु घरे बनांतु आपण चाहिले यार टॉप बनै परिबे फ्रॉक बनै परिबे त आपण को जेमिति पसंद आपण सेमिति बनै परिबे एबे देखंतु जो ऊपर आमे अम्ब्रेला टाइप रो कटिंग करले टॉप डिजाइन पई ताकु आमे बैक साइड रो बसेबा एटा देखंतु मु जेउटा हमर हुक पट्टी रही छि सेही साइड रो मु याकु बैक साइड रे बसौ छी माने पछ पटे अस्त्र कपड़ा आपन को देखा जाउतबो अस्त्र कपड़ा जो पटु रही छी सेई पटे हो छी हमरो अस्त्र कपड़ा ऊपर को देखा जाउ छी एवं मेन कपड़ा रो मध्य भीतर साइड कपड़ा ऊपर को देखा जाउ छी याको एबे आमे बुंडे की जदी स्टिच करिवा से ऊपर को पड़े आसीबो एबे देखंतु याको मु ऊपर पटे करी की ताको भन भाबर बसे की आ गोटे सिंडी रे कर दउ छी जहा द्वारा की हमरो जो डिजाइन टे रही छी सेटा भन भाबर बसी की रहिबो एवं कपड़ा एपट सपट जमारु हबनी तो ए टाइप रही ही आपण माने मध्ये ऊपर ताको भल भाव रे बसे की स्टिच करके कंप्लीट कर नबे या क्वाणी की देखंतु जेमिति हमर हुक पट्टी जोठी रही छी जोठु हम स्टार्ट करतिनी सेइथि रही आनी की को हमें भल भाव रे सिलाई करके कंप्लीट कर देबा एथिरे देखंतु हमर जो रही छी एडर रेडी ही जाई छी टॉप तो एबे एथिरे डेस बसिबो हमर साइड रे मु गोटे स्ट्रिप बसेबी जेमिते कहितनी गोटे डोरीटा बसेबी ऑप्शनल सेइटा जदी आपन चाहिबे लगेबे नहले आपन एमिते वन शोल्डर भी रखी पारिबे तो एथिरे जो टिके कपडाटा एक्स्ट्रा बड़का देखा जाउ छी ताकु मु साइड रे टिके काटी देबी तापरे होउछी एथिरे आमे देखंतु जेमिते एबे एथिरे मु साइड स्ट्रिपटा डोरीटा बसेबी तो एथिरे देखंतु डोरीटा मु बसे देइ छी बनै की एटा अध इंच चौड़ार डोरीटा बनै छी एवं तार जो रही छी जेमिति मु बतैथिनी आपन को एटा देखंतु याकु आपन सही हिसाब रे
लगे देवे आपणकर बराबर करिकी जमी साइड स्ट्रिपटा सहित आपणकर बराबर रहइबो से हिसाब रे। तो एबे एथिरे तळ जोटा रही छे हमर 12 इंच आमे ताको डंबर रखिकी तळ कपड़ा को मध्य फोल्ड करिकी कंप्लीट कर देबा। एवं एथिरे रहिला एबे देखंतु मु एथिरे डेस्क को बसे देबी। मो पाखरे गोटे डेस्क अछि जोटा कि हमर एथिरे भल लागिबो। तापर एठी मु किछ कट पीस रो बो बनै छी ताको मध्य मु यूज करबी। तो बो को मध्य मु लगे कि एबे मोर कंप्लीट कर नहीं आपन को डिजाइन केमी लगे कमेंट करके जनवाक जमारू भूल। थैंक यू।